खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में सेमना फाउंडेशन की जनाब से जश्न सुल्तान हिंद मनाया गया, जहां भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति नजर आई। इस ट्रस्ट के चेयरमैन एजाज अहमद मौलाहो खान ने बताया, ट्रस्ट द्वारा गरीब बच्चों को कंप्यूटर, सिलाई मशीन आदि की तालीम भी दी जाती है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यहाँ तक बच्चों ने भी। आइए आपको ले चलते इस कार्यक्रम में, और आप भी। शानदार जश्न मनाया जा रहा है सुल्तान हिंद व मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस की जानिब से। ये एक एनजीओ है, सुल्तान हिंद व मखदूम सिमना ट्रस्ट, उनकी तरफ से नेशनल इंटीग्रिटी और कम्युनल हार्मनी के लिए आज ये जलसा मुनक्किद किया गया है। और ये जलसे की खास ये बात है कि यहाँ पर ये जो एनजीओ है, ये मौलाना एजाज अहमद जी जो इसके अध्यक्ष है, सदर है, इन्होंने बहुत दिनों से बहुत अच्छे काम चलाए हैं। और इन्होंने मुझसे आकर के कहा कि हमको इस तरह का जलसा मुनक्किद करना है, तो मैंने इनसे कहा कि ये बहुत बड़ी बात है। आज के माहौल में, इस मुल्क में जो फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से लोगों में तफरका डाला जा रहा है, लोगों में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी जा रही है, ऐसे मौके पर एनजीओ का काम है, कोई भी जात धर्म के एनजीओ हो, इनका ये काम है कि लोगों में भातृभावना और लोगों में मोहब्बत और प्यार का संदेश दे और लोग एक साथ में रहे। ये इलाका मेरा जाना हुआ है, बहुत साल तक इसकी नुमाइंदगी मैंने की है नुमाइंदगी, और मैं जानता हूँ कि यहाँ हर एक जात धर्म के लोग एक साथ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ख्वाहिश थी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, हम उन्हीं की बारगाह से वहीं से मुरीद हूँ, और उन्हीं के सदक़े में जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके ज़रिए अल्लाह दे रहा है हमको। और एक ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई हम एक बुज़ुर्ग के ख़ानदान से मुरीद हूँ, तो उनके नाम से जो एक प्रोग्राम करें यहाँ पर। और ये हमारा 11वां 12वां प्रोग्राम है, हर साल हम इसे करते चले आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस यही ख्वाहिश है कि हमारे इस प्रोग्राम से लोगों को एक नसीहत मिले और आपस में प्यार मोहब्बत हो, भाईचारगी पैदा हो, ताकि हमारे इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। वो मक्का में अमीन कहे जाते थे, 40 साल ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक पेश किया। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, तो हर सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे तो उसका शहीद का सवाब है। तो ये सुन्नत पर अमल करना दुनियावी और दीनी, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज जिनको आप गैर कहते हैं, दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मजहब के हमारे भाई हैं, ये लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, और हम लोग इस अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। ये देश, ये मुल्क बुजुर्गों का मुल्क है, जगह जगह पर आपको सूफी संत के मजारात मिलेंगे, जगह जगह पर आपको सूफी संत का संदेश मिलेगा। सूफी संत ने क्या संदेश दिया है? इस मुल्क में जो फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से लोगों में तफरका डाला जा रहा है, लोगों में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी जा रही है, ऐसे मौके पर एनजीओ का काम है, कोई भी जात धर्म के एनजीओ हो, इनका ये काम है कि लोगों में भातृभावना और लोगों में मोहब्बत और प्यार का संदेश दे और लोग एक साथ में रहे। ये इलाका मेरा जाना हुआ है, बहुत साल तक इसकी नुमाइंदगी मैंने की है नुमाइंदगी, और मैं जानता हूँ कि यहाँ हर एक जात धर्म के लोग एक साथ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और मैं कहूँगा, मौलाना साहब को खास मुबारकबाद दूंगा कि आज इन्होंने कंप्यूटर क्लास का उद्घाटन भी रखा है। ये कंप्यूटर क्लास गरीब बच्चों के लिए,